हेलो, वेलकम टू अन्य वीडियो। इसमें डियर मैम, एग्ज़ाम के ऊपर मीम आए हैं, बने हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम, कॉलेज एग्ज़ाम, सभी प्रकार के एग्ज़ाम चालू हो गए हैं। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत की हो जाते हैं। भाई, बोर्ड एग्ज़ाम चालू होते ही मम्मियों के ताने चालू हो जाते हैं। ऐसे कहते हैं कि पढ़ नहीं रहा मेरा लड़का, पढ़ नहीं रहा। अरे, वो पढ़ तो रहा है, उसको वक्त तो देखो किस वक्त पढ़ रहे हैं। और कुछ होते हैं बैक बेंचर, जो सारे साल पढ़ते नहीं हैं और साल के लास्ट में एक महीना पढ़ के पास हो जाते हैं। भाई, उसमें से मैं भी हूँ। और मम्मी के ताने रहते हैं मेरा भाभी के, पढ़े रहते हैं पटोले सरी के। बोर्ड एग्जाम आ रही है पर इनको कोई सीरियसनेस नहीं है। मतलब रोटी ले रहा बेटा? लड़के को देखो, ऐसे बैठ के बात कर रहा है जैसे कि उसके घर पे बैठ के बात कर रहा है और कोई देख नहीं रहा। और ये लड़कियों को देखो, ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे कि इनका, इस लड़के का आज ब्रेकअप करवा देगी। हाँ, मुस्कुराहट तो देखो। और सर यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कब ये बेचारा उठेगा अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके, और फिर उसके बाद मैं इसकी खाट खड़ी करके छोड़ूंगा। सर की शक्ल देख के लड़के का रिएक्शन है, ये क्या हो गया, ये किसके सामने मैंने फ़ोन काट दिया, इससे अच्छा तो मैं चुपचाप बात ही करते रहता, कम से कम बचा तो रहता। और ये देखो पीछे लड़कियों की मुस्कुराहट, ऐसे ही जैसे इन्हें 3 करोड़ रुपए मिल गए या अपने ब्यूटी पार्लर का फ्री में, ब्यूटी पार्लर का फ्री में मिल गया है लाइफ टाइम एक्सेस। भाई, दोस्त एक नंबर, एक नंबर होते हैं कमीने। ये देखो, बता नहीं सकता सर आ गए हैं, मगर वहाँ मज़े लेने के लिए सबसे आगे यही रहते हैं। इन्हें कुछ बताया तो ये इन्वेस्टमेंट में उसके वो लेते हैं, इन्वेस्टमेंट में उसका वो रिटर्न लेते हैं। जब तुम खुशी का मौका होगा तो उस समय यही बात उखाड़ देंगे और कर ले बात। अब अगला मीम देखा जाए। लगेंगे अब दूसरे में से करें। अब ये जो पिछला वाला जिसमें से जो चिटिंग कर रहा था, कह रहा है तू बाहर मिल, अब तेरे को मैं बाहर बताता हूँ और तोड़ूंगा। और वो दोनों कह रहे तू बाहर मिल, देख के नहीं लिख सकता था। भाई, ऐसा मेरे साथ एक दफ़ा सीन हो गया था, मैं किसी और में से लिख रहा, उसको पता चल गया और उसने काट दिया। और कभी ये बात नोटिस की है, एग्ज़ाम के समय लड़की तुम्हें कभी भैया नहीं बोलेगी। अब अगला मीम देखते हैं। भाई भाई की एक्टिंग तो देखो, कितने प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे, इसने प्यार से करोगे तो आपको ऑस्कर मिल जाएगा। पर ये क्या, ये एक मिनट, क्लिप वापस करके दो। ये क्या, ये मैम वापस एग्जाम पेपर में चीटिंग करना सिखा रहे हैं। सभी टीचर्स कहते हैं चीटिंग मत क्या करो, और ये मैम कह रही कि चीटिंग करना सिखा रही है। वाह मैम, भाई तेरे तो आज मौज निकल गई। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। और भी मीम बाकी है, रुको देखते चलो। एग्जाम स्टार्ट हो गया, अब इसी के साथ चीटिंग चालू। ये क्या, एग्जाम ले रहे हो सर, सोने आ रखे हो। ये क्या, ये मिडल फिंगर दिखा रहा है, इसका मतलब क्या, गाली दे रहा है क्या? मगर नहीं, ये तो चीटिंग कर रहे हैं। ये देखो, ऐसा चीटिंग हो तो, ऐसा क्लासमेट हो तो भाई पेपर में तो नुए पास होने में दिक्कत ना लगेगा, और सबसे ज़्यादा तो एक MCQ वाले पेपर में पास हो जाएंगे। ये देखो, उंगल के सारे से आंसर बता रही है, मैम कितने रुपये मिले आपको? 1.5 लाख मिला है रे बेटा, 1.5 लाख। ऐसे खुश हो गए जैसे खुद की मेहनत पे। मुस्कुराहट तो देखो अभी, मगर नहीं, खुद के मेहनत से नहीं देना एग्ज़ाम, एग्ज़ाम तो हमें दूसरे के मेहनत से लेना है। चलो और आगे देखते। हर एक ना क्लास में एक टॉपर स्टूडेंट होता है, जिसमें से जो बताते हैं कुछ पढ़ा नहीं होता, मगर वो सारे क्वेश्चन करके आते हैं और आपको अंधेरे में रखता है। तो भाई ऐसे लोगों से ना थोड़ा दूरी बना कर का, अब देख ही सकते हो 32 पेज। भाई पेन लेके जाते हैं 32, इनके आँखों देखे आँख लाल मिलेगी, मगर कहेंगे अभी तक हम कुछ पढ़ के ही नहीं आए। और लिखना जब चालू करते हैं तो मैम और टीचर सब देखते हैं। भाई टॉपरों से बच के रहा करो, ना तो इनके चक्कर में तुम खुद भी मरोगे और घर वालों से भी कुटोगे। तो कृपया पेपर में जब पढ़ने जाने से पहले पेपर में थोड़ा पढ़ लिया करो।
इसी के साथ वीडियो समाप्त होते गए। और ये एक लास्ट मीम है आपके लिए स्पेशल फॉर माय सब्सक्राइबर जो एग्जाम रूही। हाँ कहो। मुझे तुम्हें कुछ कहना था। 5 मिनट से तुम सिर्फ यही लाइन दोहरा रहे हो। मुझे कहना था। अरे भाई बोलो बोलो, इसमें क्या चलना है। मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ। मतलब रूही। हाँ क्या तुम मुझे कल के एग्जाम के नोट दे सकते हो।